हाय शाक्स, मेरा नाम है भूपेंद्र मदान और मैं गुजरात से आया हूँ। मैं अक्सर काफ़ी कैफेज में विजिट करता था और एट द एंड ऑफ द डे हर जगह विजिट करके मुझे यही रियलाइज होता था, वही कैपेचिनो अमेरिकानो लातेस विद अ स्माइली ऑन इट। कोई क्रिएटिविटी नहीं थी यार, और ये पीपी के मेरी जेब में तो छेद पड़ चुके थे। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे ये पूछा कि क्या तूने ठेका तो नहीं उठा लिया है कॉफी इंडस्ट्री चेंज करने का। बस इसने पूछा और मैंने ठेका उठा लिया। तभी मेरे दिमाग में आया एक पलंग तोड़ आइडिया। ओह वाओ, अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। थैंक यू। हम अपनी कॉफीज को खुद रोस्ट करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग कूल बियर बॉटल्स पे डाल के कस्टमर्स को सर्व करते हैं। मैं आज तक अपनी 3 कियोस्क से 3 लाख से ज्यादा कॉफीज को सर्व कर चुका हूँ। शार्क्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये है एक न्यू जनरेशन कैफे चेन। और मेरे पलंग तोड़ आइडिया को पूरे इंडिया तक पहुंचाने के लिए मुझे आपसे चाहिए होगा 50 लाख रुपीज अगेंस्ट 10% इक्विटी। और मैं गारंटी लेता हूँ कि हम कॉफी इंडस्ट्री को हिला के रख देंगे। मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम कॉफीज को 59 सेकेंड्स में बनाते हैं। Your time starts now. Yeah. So this is the coffee base. That's the brew that we put. This is the milk base. We already put the sweetener inside it. And then we just mix it and serve it in a beer bucket. Oh wow. Delicious. Thank you. Fantastic product. Thank you. Coffee is very good. Thank you. मैं तो इसको अपने मग में डाल दूंगी, मैं दे नहीं रही वापस। भूपेंद्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने सबको लट्टू कर दिया अपने प्रोडक्ट और ब्रांड पे। थैंक यू। लेकिन ये ब्रांड की समझ, ये सब कहाँ से आया सब साथ में? सर, ये क्योंकि मैंने काफी यंग एज में बिजनेस चालू कर दिया था। मैं 14 इयर्स का था जब मैंने काम शुरू कर दिया था, और उसी बेसिस पे मैंने यंग एज से बोल दिया था कि मैं वड़ा पाव बेच लूंगा, मोमोज बेच लूंगा, लेकिन मैं करूंगा बिजनेस ही। और वहां से मैंने अपने बिजनेस की जर्नी शुरू करी। भूपेंद्र, थोड़ा अपने जो आपने पहले बिजनेसेस बनाए 14 साल से अभी तक, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? क्या बिजनेस बनाया, क्या रिजल्ट हुआ, ये कौन सा नंबर हुआ बिजनेस? ये मेरा 7th या 8th होगा। 8th बिजनेस है। So, मैंने सबसे पहले शुरू किया था बेचना मोमोज, क्योंकि गुजरात के अंदर मोमोज नहीं थे उस टाइम पे, काफी साल पहले की बात है, when I was 14-15। और फिर मैंने एक मार्केटिंग कंपनी चालू करी, उसके अंदर मैंने काफी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए काफी ब्रांड्स के लिए। फिर करते करते आई स्टार्टेड पराठा का बिजनेस, काफी मल्टीपल फूड रिलेटेड बिजनेस करने के बाद फाइनली आई केम डाउन टू ठेका। तुसी कमाल हो यार, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 27। और ठेका आपका ब्रांड कितना पुराना है? 3 साल। तो सेल्स क्या है अब तक की? मेरी फर्स्ट ईयर में तो अनबिलीवेबल थी, जो मुझे भी भरोसा नहीं था कि उतनी होएगी। सो फर्स्ट ईयर में मेरी सेल थी अराउंड 1 crore 20 lakh रुपीस। सेकेंड ईयर वी वेंट अप टू 1 crore 80 lakh। और करंट ईयर? करंट ईयर आई फेल्ड वेरी बैडली ड्यूरिंग कोविड, और मैंने ठेका को कोविड खत्म होने के बाद रीलॉन्च किया। तब से मेरी सेल 30 lakh रुपीज है एट 3 carts। पिछले महीने कितनी सेल? पिछले महीने भी 4 lakh रुपए सेल है। सो यू आर रनिंग एट 50 lakhs a year। या अब आपने बोला आपने रीस्टार्ट किया, अभी ये आप अकेले रन कर रहे हैं कि आपके पास पार्टनर्स हैं इस बिजनेस में? आपका अभी कितना मनी इन्वेस्टेड है आपके बिजनेस में? 5 lakh रुपीस मैक्सिमम, बाकी सारा बिजनेस से ही जो मैंने कमाया है मैं लगाता गया हूं। अभी आप ये फुल टाइम कर रहे हैं कि आपके भी और बिजनेस? मैं सिर्फ ठेका, सोता जागता पीता। ये ठेट निश्चय है आपका? 100%। मैं 5 साल के लिए बिजनेस नहीं करना चाहता, मुझे 50 साल का बिजनेस क्रिएट करना है। आपके कितने SKU है और शेल्फ लाइफ क्या है? मेरे मेन्यू में सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स है और इन्वेंट्री सिर्फ 6 है, और उसको भी हम इस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं कि मेरे केक्स की शेल्फ लाइफ 1 month है और मेरी बॉटल कन्वर्ट होने के बाद 3 days की शेल्फ लाइफ है। तो यार भूपेंद्र, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, आप कैसे बनाएंगे इसको? क्या सब जगह ठेका खोलेंगे या एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी करेंगे जो
थोड़ी हटके है, इसके बारे में थोड़ा समझा सकते हैं? यस, जो मेरा आइडियोलॉजी था कि मैं फिक्स एक्सपेंसेस को कट करके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक कैफे चालू करते हो उसके अंदर टेबल टर्न अराउंड्स पे टाइम लगता है, इतने हाई स्ट्रीट पे काफी रेंटल्स है जिसको निकालने के अंदर ही कैफे चेन्स फेल हो जाते हैं। तो मेरा फोकस हमेशा से ये था कि मैं फिक्स एक्सपेंसेस को बिल्कुल कट करने की कोशिश करूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कट करूँ। और आप इसके थ्रू कर रहे हैं? एग्जैक्टली। सो मेरी कार्ड्स पे इन्वेस्टमेंट भी इतना कम है, 1.5 लाख रुपए में 1 kiosk इज रेडी। प्लस वी आर ऑल हैंडमेड, मतलब वी डोंट यूज एनी इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट कॉस्ट नहीं है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। तो मेरे प्रोडक्शन यूनिट्स भी 2.5 लाख रुपए में वी आर रेडी टू सर्व पीपल। तो मुझे यही था कि मैं अपने खुद के कार्ड्स ही हर जगह लॉन्च करूँ। भूपिंदर, मार्केट में ना अभी बहुत सारे कॉफी ब्रांड्स हैं, तो ठेका में और इन बाकी सब में क्या डिफरेंस है, आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? हम कोशिश ये करें कि हम 100% अराबिका स्पेशलिटी कॉफी को, सिंगल एस्टेट कॉफी बीन्स व्हिच इज द मोस्ट प्रीमियम कॉफी बीन, जिसको भी कॉफी की नॉलेज होगी उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा दिस इज द बेस्ट कॉफी दैट यू कैन एक्चुअली सोर्स, उसको हम 100 rupees में सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर्स को, विच इज मोस्ट अफोर्डेबल। बट ये हैंडमेड होने की वजह से आपको लगता है कि जब स्केल करना होगा, जब बड़े पैमाने पे वो प्रोड्यूस करना होगा, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी? 100%। उसी लिए वंस वी गेट द इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम लोकेशन पे ये खोलना चाहेंगे वहाँ पे हम थोड़ी ऑटोमेशन 100% लाएंगे, ताकि बॉटलिंग मैन पावर से ना हो, बॉटलिंग ऑटोमेशन से हो। आपका विजन क्या है? आपने बताया कि आपको सुपरमार्केट में रखना है, कियोस्क बनाने हैं, right. तो फिर आपको रेडी टू ड्रिंक नहीं रखना है, से एट एयरपोर्ट्स या सुपरमार्केट्स में सब फ्रेशली ब्रूड ही रखना है कि रेडी टू ड्रिंक SKUs के तरफ भी जाना है? इफ वी आर एबल टू फाइंड द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली विदाउट एनी एक्स्ट्रा केमिकल्स या कुछ भी डालने से जो ऑर्गेनिक फ्लेवर है उसका वो करते हुए अगर हम रेडी टू ड्रिंक बना सकते हैं, आई 100% बी वांटिंग टू वर्क टुवर्ड्स इट टू द सेकंड फेज ऑफ द एक्सपेंशन 100%। तो मुझे सच्ची बात बताओ तो बहुत इंटरेस्ट था इसमें, लेकिन एक जो एरिया मुझे कब से खटक रहा है जिसके वजह से वो 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इज द शेल्फ लाइफ, और उसके वजह से आई एम आउट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसे स्केल करने के लिए वो शेल्फ लाइफ का क्रैक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो जस्ट कियोस्क बिजनेस हो जाएगा जो इतना फैसिनेटिंग नहीं है मेरे लिए। ट्रू। सो भूपिंदर, मेरा कंसर्न ये है कि ये ना 100% फ्रेश है और ना यू नो बिल्कुल स्केलेबल, जहां लाइक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स डाल के फट से स्केल कर दो, ऐसा नहीं है। For that reason, I'm out. मुझे थोड़े simpler businesses easier लगते हैं समझने में। जो आपने ये brand craft किया है, जो brand की tonality है, बहुत बढ़िया है, attention grab करता है। That said, food as a category मेरा expertise नहीं है। आप offline heavy जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी मैं कोई value add नहीं कर पाऊँगी। Purely because of those reasons, I'm out. मुद्दे की बात ये है कि beverage का जो category है ना, उसका एक बहुत बड़ा शमशान घाट है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत प्रॉब्लम है। लिक्विड को डिस्ट्रीब्यूट करना, शेल्फ लाइफ रखना, रिटर्न्स इतने हाई होते हैं कि लोगों के 100-100 crore के धंधे बना के बंद करने पड़े उनको। तो जो मैंने आपसे सुना है आज, मुझे कोई ऐसा डिफरेंशिएटेड अप्रोच नहीं लगा जो ये प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। आप ये मॉडल पर चलते रहे, चार्ट का टाइप का स्केलेबल बिजनेस बनाना ठेला लगा के, तो आप भी वही शमशान घाट पे पहुंच जाओ। तो इस वजह से मैं आउट हूं। आई थिंक सेंट्रल कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स में मेरे को चैलेंज लग रहा है। मैं फ्रेंचाइज बिजनेस और ये रिटेल के बारे में काफी जानता हूं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप हर सिटी के अंदर जो ये कर रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, आप किसी तरीके से अगर इसको और सेंट्रल ले जाएं, right. और इसमें ऑटोमेशन लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी जो मुझे आज नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस शायद अगर आप इस पे फोकस करो सेंट्रल लॉजिस्टिक्स पे, right. किसी तरीके से, देन ये इन्वेस्टेबल हो जाएगा। तो आज मैं आउट हूँ, बट ओवरऑल आई थिंक पाथ सही है, आप इस पे फोकस काफी लंबा कर सकते हो। तो वी विश यू लक, we've all given you some advice, आपके ऊपर है, आपको उसके विषय में सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। Good luck. Thanks a lot. Thank you. Thank you guys. Thank you.